ना ओए होए 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 ओए होए 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 अस्सलामु अलैकुम वार छू खो छू ठीक छू। अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं और आप दिल्ली जामा मस्जिद वाले अल पाकिजा की बिरयानी खाना चाहते हैं वो भी बिना दिल्ली जाए अपने ही कश्मीर में, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम आपको दिल्ली जामा मस्जिद वाली बिरयानी का जायका अपने ही कश्मीर में देने वाले हैं। दो किस्म की लजीज बिरयानी आप खाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, सही जगह आप आए हैं। आप बने रहें इस वीडियो के साथ, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और आपको हम बताएंगे आज इस वीडियो में कि कैसे आप दिल्ली वाली बिरयानी अब अपने कश्मीर में ही खा सकते हैं और एकदम ऑथेंटिक बिरयानी। और सबसे खास बात इस बिरयानी की, यह बिरयानी आपको पाव के हिसाब से मिलेगी, किलो के हिसाब से मिलेगी, जो कि अभी तक शायद आपने कश्मीर में नहीं देखा होगा। यहाँ पे आप बिरयानी अपनी पैक भी करवा सकते हैं, अपने घर भी ले जा सकते हैं और अपने घर वालों को भी इसका जायका जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। हमेशा की तरह टेस्टिंग, प्राइसिंग और एड्रेस जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है अंत तक देखनी है और आखिर में आपको बताएंगे इन तीन चीज़ों के बारे में और इस लजीज बिरयानी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, YouTube पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना है, Facebook पे देख रहे हैं फॉलो करना है और आपको अपने पूरी दोस्तों के साथ शेयर करना है और जो लोग पूरी नहीं है उनके साथ भी शेयर करना है ताकि उनके मुंह में भी पानी आ जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए सफ़र अपना शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। चलिए जी प्राइसिंग की बात करते हैं। 70 रुपये में आपको ये बिरयानी एक पाव मिल जाएगी, मिक्स आप लेना चाहेंगे मिक्स भी आपको मिल जाएगी। पता है मेन मार्केट बारामूला, जेके बैंक टीपी ब्रांच के साथ में। तो आइए जी, टाइम हो गया टेस्टिंग का, अब करते हैं हमारी बिरयानी टेस्ट, कैसा इनका टेस्ट। तो दो टाइप की बिरयानी है यहाँ पे, पहली बिरयानी आपको मैं दिखा दूँ, ये रही जी हमारी पहली बिरयानी। कलर देखिए इस बिरयानी का, रेड बिरयानी है। अब दूसरी वाली बिरयानी में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना डिफरेंस है दोनों। देखिए ये वाइट बिरयानी है और ये है रेड वाली बिरयानी, दोनों चिकन बिरयानी है। दोनों का टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं दो में से कौन सी जो है बेस्ट है कि दोनों अच्छी है। तो चलिए करते हैं टेस्ट, पहले मैं इसमें से टेस्ट करता हूँ। तेज मसाले हैं रेड में, अब करते हैं टेस्ट व्हाइट वाले, फिर मैं आपको टेस्टिंग का बताता हूं कौन सी बेटर लगी। एक और बाइट लेके हम बताते हैं, मुझे सच्ची में बताऊंगा दोनों का मुझे जबरदस्त टेस्ट। चिकन पहले टेस्ट करते हैं, ये क्या भाई ये चिकन, इतना ही चिकन, अच्छा दूसरा भी ओए होए चिकन देख भाई, इसका चिकन देखते हैं।
राइस हो ना, राइस राइस दोनों का जबरदस्त है, मतलब बेस्ट। चिकन रेड वाला मुझे बेस्ट लगा, ये मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। चावल जो है ना, चावल दोनों के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, थम्स अप दोनों चावल के लिए, जो टेस्ट इनका है बहुत ही बढ़िया, कमाल। चिकन मुझे यार रेड वाला बेस्ट लगा, वाइट वाला चिकन जो है ना ये मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। तो चिकन में से मैं सिर्फ एक के साथ जाना चाहूँगा, वो है रेड। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वाइट वाला है ना, इसमें जो जीरा है, जीरा ये देखो, इसमें इन्होंने जो है जीरा भी डाला हुआ, ये देखिए जीरा भी डाला है। तो जब खाते हैं ना, इसको बाइट लेते हैं ना, तो जीरा का जो टेस्ट आता है ना, जीरा का टेस्ट उसको ना ऑसम बना देता है। और जो ये रेड वाली है, इसमें अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों की। ये वाइट वाली जो बिरयानी है, इसमें जो है इसमें खड़े मसाले पड़ते हैं, और जो ये रेड वाली है, रेड वाली बिरयानी में जो है पिसे हुए मसाले पड़ते हैं। तो बिरयानी ओवरऑल मुझे दोनों बहुत अच्छी लगी, चिकन मुझे सिर्फ एक रेड वाला अच्छा लगा था। तो आपको जो ये बिरयानी है, इसके साथ आपको दो चटनियाँ मिलेंगी, एक तो है ये आप देखिए थैली, दो थैलियाँ दे दी हैं, एक जो है मिंट वाली है पुदीने वाली चटनी, दूसरी जो है रेड, इसमें टमाटो और जो मिर्ची होती है रेड मिर्ची वो पड़ी है। तो ये दो चटनियाँ इसके साथ है। तो अगर आप भी ये टेस्ट करना चाहते हैं दिल्ली वाली बिरयानी, तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा बारामूला। तो बारामूला में आपको ये पाकीज़ा जो है जामिया मस्जिद वाली बिरयानी मिलेगी। और अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता ही है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना है, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने फूडी दोस्तों के साथ जिनको खाने का शौक है, और जिनको खाने का शौक नहीं है उनको भी आप कर दें, ताकि उनका भी शौक है खाने का वो बढ़ जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।